नमस्कार दोस्तों, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अपने बगीचे में हूँ। सारे पेड़ आप देख रहे हैं मेरे पीछे और काफ़ी अच्छा मौसम है। पक्षियों की आवाज़ आप सुन रहे होंगे। मार्केट के बारे में आज बात करना चाहते हैं। कल मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन के मूड में रहा, लेकिन लास्ट आवर में एक अच्छी बाइंग आई जिससे निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली। तो ये जो तेज़ी है, ये जो मोमेंटम है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। जैसे कि हम पहले बार बार बता चुके हैं कि एक ही मोमेंटम है, बाय बाय एंड बाय। तो जब भी आपको गिरावट मिले इस मार्केट में, आपको बाय करना है। अगर आप बाय नहीं कर रहे हैं, अगर आप मार्केट में नहीं बने हैं, तो अभी आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मार्केट है, ये गोल्डन एरा चल रहा है। इस गोल्डन एरा में आपको भी पैसे बनाना है। अगर इसमें आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। तो आज का क्या ट्रेड सेटअप बैठता है, मार्केट में किस तरह से क्या करना हो सकता है, ये समझ लेने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से क्या बताया गया, द मार्केट टर्न स्ट्रॉन्ग अगेन आफ्टर 2 डेज लॉसेज ऑफ कंसोलिडेशन। 2 दिन का लॉसेज कंसोलिडेशन हो रहा था एंड जम्प्ड ए न्यू हाई ऑन July 6 बैक्ड मेजरली बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सपोर्ट। तो FII का बाइंग काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। FII लोग काफ़ी हेवी पैसा लगा रहे हैं। बाइंग इंटरेस्ट वाज सीन इनटू ऑटो, ऑयल एंड गैस, सेलेक्ट बैंक्स, मेटल्स, फार्मा स्टॉक्स। तो सारे से स्टॉक्स ने सपोर्ट कर रहा है। ऑयल एंड गैस हो, ऑटो हो, बैंकिंग हो, फार्मा हो, ये सारे स्टॉक्स जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं। द BSE सेंसेक्स हिट न्यू ऑल टाइम हाई, 65,883 पे बंद हुआ है निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, और 340 पॉइंट बढ़ा है 65,786 पे, वाइल निफ्टी 19,500 पे 19,500 के मार्क इंट्राडे फॉर फर्स्ट टाइम में पहुंचा है 19,500 के लेवल में। राइजिंग 99 पॉइंट्स टू एंड रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई 19,497 पे बंद हुआ है, इंट्राडे हाई 19,500 कर रहा है एंड फॉर्म ए बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ऑन द डेली चार्ट। तो बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न चार्ट इसमें बना है। ए लॉन्ग बुल कैंडल फॉर्मेशन सिग्नल दैट मार्क इज इन शार्प अप ट्रेंडेड मूव, देयर इज लैक ऑफ सेलिंग इंटरेस्ट एट न्यू हाई। तो न्यू हाई पे सेलिंग आ ही नहीं रहा है, सेलिंग आ भी रहा है तो तुरंत बाइंग नीचे से आ जा रही है। दिस कुड बी कंसिडर्ड एज एन अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, ये नागराज सेट्ठी बता रहे हैं, HDFC सिक्योरिटीज के ये रिसर्च एनालिस्ट हैं। तो निफ्टी रीच इनिशियल अपसाइड ट्रेजेट्री 19,500 के लेवल, विच इज 1.236% फिबोनाची प्रोजेक्शन ऑफ वीकली लेटेस्ट बॉटम टॉप बॉटम स्विंग हाई। तो टॉप बॉटम का स्विंग हाई बना रहा है। हैंस ए सस्टेनेबल मूव अबव दिस हर्डल कुड पुल निफ्टी टुवर्ड्स रेसिस्टेंस ऑफ दिस प्रोजेक्शन 19,800 1.38% प्रोजेक्शन इन कमिंग वीक्स, ही फील्स इमीडिएट सपोर्ट 19,400। तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 19,500 का जैसे ही सपोर्ट मार्केट बनाएगा, फिर 19,800 का लेवल बनाएगा और फिर 20,000, यानी 20,000 का लेवल हो सकता है कि जुलाई सीरीज में ही हमें देखने को मिल जाए। ये हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे हैं, अब की बार निफ्टी 20,000। तो ये हो सकती है कि जुलाई सीरीज में ही ये देखने को मिल जाए। द ब्रॉडर मार्केट रैलीड फॉर एट अनदर सेशन बैक्ड बाय पॉजिटिव ब्रेक, निफ्टी मिड कैप 100 1% बढ़ा है, निफ्टी स्मॉल कैप 0.8% वो भी बढ़ा है। तो अब रेसिस्टेंस और सपोर्ट का बात समझ लेते हैं। तो पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर सजेस्ट 19,408 का पहला रेजिस्टेंस पहला सपोर्ट रहेगा, दूसरा सपोर्ट रहेगा 19,375 का दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट रहेगा 19,322 का। तो ये 3 सपोर्ट होंगे निफ्टी के। रेजिस्टेंस का बात कर लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस होगा 19,514 का पहला रेजिस्टेंस होगा, दूसरा 19,547 का दूसरा रेजिस्टेंस होगा, तीसरा होगा 19,600 का। तो ये 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस का बात हम लोगों ने किया। निफ्टी बैंक को समझते हैं।
द बैंक निफ्टी ऑल्सो क्लोज द पॉजिटिव ट्रेंड आफ्टर कंसोलिडेशन रेंज बाउंड ट्रेड राइजिंग 188 पॉइंट पड़ा है, 45,340 पे ये बंद हुआ है। फॉर्म बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पे। इंडेक्स सस्टेन अबव 45,000 जैसे ही मार्क को ऊपर सस्टेन कर रहा है, हैंस द सेंस कैन बी कंसिडर्ड एज अ सपोर्ट नियर टर्म। तो 45,000 का जो सपोर्ट रहेगा नियर टर्म में रहेगा। द बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑन साइलेंट परफॉर्मेंस एज द बुल्स मैनेज टू होल्ड द सपोर्ट लेवल, 45,000 का सपोर्ट लेवल रहेगा उस पर, विच इज कंसिडर्ड ए क्रूशियल मैक और ब्रेक लेवल इंडेक्स। तो ये एलकेपी सिक्योरिटीज के बता रहे हैं कुणाल सा कि 45,000 का जब तक रहेगा लेवल ऊपर ये मैक या ब्रेक रहेगा, यानी 45,000 का जैसे ऊपर आएगा या तो बहुत बड़ी हाई बनाएगी, अगर नीचे आएगा तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। द बेयर्स हैव बीन एक्टिव अराउंड 45,500, तो 45,500 में बेयर्स जो आ जाते हैं। हाउएवर द इंडेक्स सक्सेसफुली सरपासेज दिस लेवल क्लोजिंग बेसिस, इट इज लाइकली टू विटनेस फर्दर अपवर्ड मूव टुवर्ड्स 46,000 लेवल ही फील्स। तो 46,000 का लेवल जो है जल्दी आने वाला है, 45,500 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा 46,000 का लेवल भी जल्दी आएगा। गिवन द ओवर ऑफ बुल्स अंडर टोन इट इज वाइटल टू अडॉप्ट टू बाय ऑन डिप्स, तो बाय ऑन डिप्स का रणनीति रहेगा बैंक निफ्टी पे। अप्रोच एज लॉन्ग एज मेंशन सपोर्ट 45,000 इज हेल्ड, जब तक 45,000 का सपोर्ट बना है। द पिवट पॉइंट कैलकुलेटेड इंडिकेट द निफ्टी 50 इज लाइकली टू टेक सपोर्ट, 45,132 पे पहला सपोर्ट बैंक निफ्टी का रह रहा है, दूसरा रह रहा है 45,035 का दूसरा सपोर्ट, 44,892 का तीसरा सपोर्ट रह रहा है। रेसिस्टेंस समझ लेते हैं बैंक निफ्टी का, 45,410 का पहला रेसिस्टेंस रहेगा, 45,498 का दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा, 45,642 का दूसरा रेसिस्टेंस रहेगा। कॉल ऑप्शन डाटा और पुट ऑप्शन डाटा को भी समझते हैं कि कॉल ऑप्शन डाटा में कहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, पुट ऑप्शन डाटा में कहाँ सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। तो कॉल ऑप्शन डाटा जैसे कि हम पहले बता चुके हैं, कॉल ऑप्शन डाटा जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट मिलेगा रहेगा इसका मतलब है निफ्टी वहाँ तक जा सकती है, पुट ऑप्शन डाटा में जहाँ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा इसका मतलब है निफ्टी वहाँ तक गिर सकती है। तो 19,500 पे 1.33 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, यानी 19,500 का रेसिस्टेंस कॉल ऑप्शन डाटा में दिख रहा है कि 19,500 वहाँ पे रेसिस्टेंस रहेगा। उसके बाद 19,600 पे 84.96 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है, 19,800 पे 58.85 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर भी है। उसके बाद हम फटाफट पुट ऑप्शन डाटा को समझ लेते हैं, तो 19,400 के स्ट्राइक पे 84.69 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है जो सपोर्ट का काम अब कर रहा है, 19,500 पे 59.34 लाख कॉन्ट्रैक्ट और 19,200 पे 58.08 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ है। उसके बाद फटाफट हाईएस्ट डिलीवरी वाले स्टॉक समझ लेते हैं, तो हाईएस्ट डिलीवरी वाले स्टॉक कहाँ है, HDFC में है, JK सीमेंट पे है, इंडिया मार्ट इंटरमेस पे है, टोरेंट फार्मा पे है, हिंदुस्तान यूनिलीवर पे है, जहाँ हाईएस्ट डिलीवरी मिल रहा है देखने को। लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हो रहा है, गेल पे हो रहा है, डेल्टा कॉर्प पे हो रहा है, महिंद्रा पे हो रहा है, PBR पे हो रहा है, तो यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रहा है, HDFC IDFC मारिको लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है, आयसर मोटर पे, टाटा कंज्यूमर पे, आरती इंडस्ट्री पे, इंडिया बुल्स पे, तो ये हाउसिंग फाइनेंस पे यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रहा है, HDFC हीरो मोटो कॉप बंधन बैंक, यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रहा है। बल्क डील कहाँ हुआ है, प्रिमल इंटरप्राइजेज पे बल्क डील हुआ है। फॉरेन पोर्टफोलियो जो है न्यू वर्ल्ड फंड इंक और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इंक एग्जिट द कंपनी सेलिंग इंटायर 34.62 लाख कॉन्ट्रैक्ट वहाँ शेयर बेचा है ये लोग। और एरिस लाइफ साइंस पे HDFC म्यूचुअल फंड बाय किया है, 13.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बाय हुआ है। सेट इंडस्ट्रीज पे यूरोप बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप जनरल पॉट 16.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेट इंडस्ट्री पे बाय किया है। तो ये सारे स्टॉक है जहाँ पे बाय और हेवी स्टॉक में
हैवी मात्रा में बाइंग हो रहे हैं, इसको बल्क डील कहा जाता है। तो हमने डिस्कस किया सपोर्ट, रेसिस्टेंस, बल्क डील्स, कॉल ऑप्शन डाटा, पुट ऑप्शन डाटा, बहुत सारी जानकारी हमने इस पर इस वीडियो में दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।